हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक टीआरवी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से सिर्फ DJI Mavic Mini के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक DJI Mavic Mini के ऊपर अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर देखा होगा। गाइस मुझे पता है कि आप लोगों के मन में काफी क्वेश्चंस होगा, जैसे कि DJI Mavic Mini उड़ाना लीगल है कि नहीं इंडिया में, क्या ये एयरपोर्ट के आसपास उड़ सकता है, क्या इसके अंदर बैटरी लाइफ कैसी है, इसके पॉपुलर गार्ड्स जो है दिए हुए उसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन प्राइस को लेकर काफ़ी चीज़ें जो आपके मन में रहेगा वो धीरे धीरे मैं हर एक वीडियो में सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि पॉपुलर गार्ड्स क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, पॉपुलर गार्ड्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसकी क्या इतनी अहमियत है, क्यों इतना जरूरी है अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट कर रहे हो। तो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में दबाए बेल आइकन की, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो गाइज ये रहा हमारा DJI Mavic Mini। यहाँ पे इसके विंग्स है जो कि हमें ओपन करना रहता है। ओके, तो ये विंग्स ओपन करने का जब भी आप फ्लाइट करते हो, ये कहीं भी टकरा जाएगा तो ये जो विंग्स होते हैं ना काफ़ी शार्प होते हैं, और ये फ्लाई करते टाइम कहीं पे ब्रेक ना हो जाए या फिर आपका ड्रोन इतनी बुरी तरीके से क्रैश ना हो जाए कि ताकि यार टू पीसेज हो जाए, ठीक है, या फिर ये बाहर आ जाए या फिर ये पार्ट्स बाहर आ जाए। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग को क्या मिलता है, पॉपुलर गार्ड्स। ठीक है, ये जो पॉपुलर है ये पॉपुलर को गार्ड करने के लिए एक्चुअली में कि ताकि किसी का हाथ भी ना कटे, क्योंकि इतना स्पीड में इतना फास्ट ये रोटेट करता है जिससे ना कि किसी का हाथ भी कट सकता है, और ये काफ़ी नोखिले ब्लेड्स है और ये हल्का सा मेटल टाइप है तो ना किसका भी हाथ कट सकता है या फिर किसी को लगेगा तो किसको भी चोट लग सकती है। इसीलिए ये पॉपुलर गार्ड्स दिया जाता है कि ताकि आप इसे लगाओ और इसे सेफ रखो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलर गार्ड कैसे लगाते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो देखिए उसे अच्छे से ठीक से, और आप लोग भी ट्राई करना घर पे, तभी आप लोग ये प्रॉपरली लगा पाओगे। काफ़ी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसे लगाना, बट फिर भी आप जब भी इसे फ्लाई करोगे कोई भी प्लेस पे तो मेक श्योर कि ज़्यादा पब्लिक ना हो, मेक श्योर कि ज़्यादा हाइट्स में वायर्स ना हो या फिर कोई ट्रीज ना हो जिसे आप इसे ड्रोन उड़ाते टाइम इसे क्रैश ना हो जाए। ओके, सो पॉपुलर गार्ड्स लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉपुलर गार्ड्स लगाना। पॉपुलर गार्ड्स का जो मेड है काफ़ी अच्छा है, आप ज़्यादा प्रेस करोगे तो भी देखो ये फोल्ड नहीं होता है। तो इसका जो बेस है बेसिकली कि अगर किसी चीज़ से टकराएगा तो ये काफ़ी मजबूत है, तो ये आपका जो पॉपुलर है वो उससे गार्ड करेगा, ना क्रैश होगा ना कुछ होएगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है। ओके, इस क्लिप को आपको कुछ इसे प्रेस करना है नीचे की तरफ से और फिर ये ओपन होता है। इसी तरह आपको ये साइड्स का भी क्लिप ओपन कर देना है। तो ये आपका क्लिप ओपन हो गया। अब इसे इनपुट कैसे किया जाएगा, बट इनपुट करने के पहले आपको दो चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आप डाया देख रहे हो वो डाया के हिसाब से ही आपको इसका ड्रोन का जो लेग्स है उसे इनपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सर्कल है, यहाँ पे सर्कल और प्लस स्क्वायरिश टाइप में है, तो यहाँ उसे उसी लेग में डालना है। तो आप लोग ये ध्यान देना कि सबसे पहले कि आपके ड्रोन में जो शेप यहाँ पे दिया हुआ है वो किधर है, बट ऑब्वियो वो ड्रोन का जो शेप है वो इस तरीके से है कि सर्कल और ये स्क्वायर, आप लोग को अगर क्लियरली दिख रहा है तो ये हो गया सर्कल और ये स्क्वायर, और यहाँ पे टोटली सर्कल है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से डालना है। सो पहला जो लेग है मैं इस ड्रोन को इस तरीके से पकड़ूंगा और इसे हमें आगे की तरफ लगाना है, तो मीन्स ये इस साइड का है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इस ड्रोन को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके जो विंग्स है इस लेग्स के प्रॉपरली में लेकर आएंगे। ये दोनों साइड हो गया। नाउ बहुत ईजी, आप लोग देखिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग आगे का लेग डालेंगे, ये आगे का लेग जा चुका है, और अब पीछे का लेग को डालेंगे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक लेग जा चुका है, और इस क्लिप को कुछ इस तरीके से बंद कर देंगे प्रेस करके। तो ये आप देख सकते हो कि ये पहला जो लेग है हमारा इस ड्रोन का वो ऑलरेडी जा चुका है इसके अंदर। देखिए इस शेप के हिसाब से वो बैठा हुआ है इसके अंदर, राइट।
सो वैसे ही हमें यहाँ का भी करना था, ये ऑलरेडी गया है, हमें बस करना क्या है अभी इसे क्लिप को रोटेट करके ऊपर का जो क्लिप है उसे प्रेस कर देना है। तो ये आपका क्लिप टाइट हो गया, तो आप ये देख सकते हो ये फर्स्ट पीस आराम से हमारा लग गया है। अब हम लोग लगाएंगे सेकेंड वाला उसी तरीके से। सो ये आपका ड्रोन अभी हो गया है रेडी उड़ने के लिए। यहाँ पे आपका प्रोपेलर गार्ड्स आप देख सकते हो कि किसी के हाथ में नहीं लगेगा, ना ही वो किसी को क्रैश होगा, और क्रैश होगा भी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्रैश होगा तो ये आगे नहीं जाएगा। तो ये आपका जो प्रोपेलर गार्ड्स है ये काफ़ी सेव करता है आपके इस प्रोपेलर्स को ड्रोन को क्रैश करने से भी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम उड़ा रहे हो प्लीज़ इसे यूज़ करो, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसे यूज़ करो, यूज़ करके ही उड़ाओ। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ड्रोन का शॉट्स लेंगे, नाउ स्टार्ट कर दे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आरसी रिमोट भी कंट्रोल कर लिया हूँ मैंने, और ये मेरे पूरे घर के व्यू आप देख सकते हो कि मैंने रिमोट कंट्रोल से भी कनेक्ट कर चुका हूँ। अब हम लोग इसे फ्लाई करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में मैंने इसे पॉपुलर गार्ड्स लगाया हुआ है, और सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए करना पड़ता है, तो आप लोग भी उसी की तरह करना। अगर ये कहीं पे भी क्रैश हो जाएगा, मेरे घर के किसी भी कॉर्नर पे लगेगा दीवार के तरफ, तो वो क्रैश हो सकता है। इट्स बेटर कि हम लोग इसे काफ़ी ध्यान से रखें और काफ़ी अच्छे से यूज़ करें। तो अभी मैं इसको लैंडिंग कराता हूँ।